सही जोड़ी है। और कहाँ है बच्चे कहाँ वो कॉलेज सर आपका नमस्ते सर रवि जी वो चुगाई है या लगाई है ग्रीन कलर भी शर्मा जाता है ऐसे रहो मतलब सब ये द्वापर युग का बदमाश है और वो त्रेता युग के रावण को लोग मैंने कहा एक द्वापर युग के बदमाश है एक मैंने कहा त्रेता युग के भी रावण को बताइए ये आई मतलब ये साथ में आप क्या रहे थे सुन रहा ये रामायण के लक्ष्मण आसन की बात इनसे कीजिए अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ मुझे बोला मैं छोड़ दूंगा बोले सतगुरुदेव भगवान की जय चाले चली थी भीष्म पितामह के धर्म को तोड़ने की उस वक्त भी धर्म नहीं थोड़ा एक सोचता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज हमारे साथ चलती है वो हमारी खुद की आत्मशुद्धि चलती है आपके आपका धर्म क्या है आप भले कोई भी व्यक्तित्व में हो कोई भी प्रोफेशन में हो कोई भी कार्य करे मेन होता है जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म को करते रहो तो मैं ये मानता हूं कि मैंने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने धर्म को बचा कर रखा है कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं जैसे ऋषि कपूर पूछता है मुकेश यू डोंट ड्रिंक यू डोंट स्मोक यू डोंट गैम्बल तो करते क्या दो महीने तीन महीने से मैंने कहा आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हैं मेरे पास आए थे बोला एक चीज आपको मैं चाहता हूँ आप बहुत मैंने सुना आपके बारे में मैंने कहा मैं सब कुछ करता हूँ मैं अपनी तरफ से भी अपना मेडिटेशन भी करता था अपने स्टाइल से करता था आई यूज़ टू ट्रैवल इन माय होल बॉडी बट ऑन माय ओन जो हमारे योगा टीचर बैठे हुए मेरे जिन्होंने मुझे 6 महीने से योगा सिखाया शक्तिमान मुझे करना था जिसके लिए मुझे 8 की जो कीची कम करना था मैंने 6 महीने जिम किया ये मेरे देवेंद्र जी भरद्वाज जी है इधर जिम छोड़ दीजिए मैं आपको वेट कम करके दिखाऊंगा तो मैं 6 महीने इनके साथ मैंने योगासन किया तो अच्छी चीजें मैं आप लोगों को भी कहूंगा जिंदगी में अपनाइए तो मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं अच्छे आध्यात्मिक लेवल पे काफी डिस्कशंस हुए मेरे साथ और आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड बाय हिम एंड ही सेज ही इज इंप्रेस्ड बाय मी बट आई थिंक आई एम मोर इंप्रेस्ड बाय हिम तो ये आप जो भी मुंबई में और पुणे
चेयरमैन हूँ और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं फर्स्ट फ्लाइट के मिस्टर भरत शर्मा जी आ गए जी यहाँ पे तो ये लोग भी समय निकाल के आए हैं आप सभी लोगों का सादर आमंत्रण है मैं अपने विषय में थोड़ा बता दूं आई एम बेसिकली अ साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन पिछले 20 साल से विहंगम योग से जुड़ा हूं और किस तरह से एक साधारण व्यक्ति एक साधारण स्टूडेंट जिसका कोई नामो निशान नहीं जिसका कोई पहचान नहीं स्कूल कॉलेज की तो बात छोड़िए क्लास में भी जिसका कोई औचित्य नहीं वो अगर यहां बैठ सकता है जो कम से कम आधी दुनिया घूम चुका है इस प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान के लिए चाहे मेरा साइंटिफिक प्रोफेशन हो जो मुझे ले जाता है चाहे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो तो इस ज्ञान में कुछ ऐसा है जो सब कुछ आपके अंदर और बाहर से परिवर्तन ले आता है आप सब जानते हैं टीवी खोल करके देख लीजिए हर 20 मिनट पर जितने भी चैनल्स है ना जिन चैनलों की मैं बात कर रहा हूं आप सब समझ रहे हैं हर 20 मिनट पे एक नए गुरु आ जाते हैं सभी अच्छी बातें सिखा रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास तो इतना प्राचीन और इतना मजबूत है कि ज्ञान विज्ञान के विषय में ऋषि मुनियों की कथा कहानियों का और ज्ञान का कि सभी लोग अच्छी बात सिखा रहे हैं फिर ऐसी क्या बात है जो मैं आपके बीच में कुछ ऐसी चीज लेके आया हूं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में जिला बलिया उत्तर प्रदेश में ग्राम पकड़ी रामायण के युग में श्रृंगर ऋषि का चर्चा आता है इन्होंने क्या किया था महाराजा दशरथ के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था उनके ही वंश में सतगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जन्म लिया उनका अवतरण हुआ बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति जो थी साधना की ओर थी जब इनकी आयु केवल 5-6 वर्ष की थी तो अकेले घर में कमरे बंद करके ध्यान साधन करते थे जब ध्यान साधन करते थे तो ऐसा लगता था कि सर के ऊपर कोई छू रहा है आंख खोल करके देखते थे कमरा बंद है खिड़की बंद है कोई दिख नहीं रहा आश्चर्य करते थे कि मुझे छूता कौन है और मुझे दिखता क्यों नहीं है अथर्ववेद में एक ऋचा है अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्याम नम मार्ग न जीर्यति अगर हिंदी में कहें तो है समीप दिखे नहीं वह देखे सब कोए जरा मृत्यु नहीं ताहे में कह पंडित बहुत पूरे एक ऐसा संत है जो हमें आपको सदैव देखता है उसमें न जन्म है न मृत्यु है वह जन्म और मृत्यु से परे है अथर्ववेद की यह ऋचा कहती है कि आप सब बतलाएं कि वह है कौन भाई वेदों में आया है तो कुछ तो सत्य है